कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। वज़ीर आज़म का शिकवा, पीटीआई का जवाब, ख्वाजा आसिफ का जवाब। वज़ीर आज़म ने कहा कि असद कैसर तो हमें बोलने ही नहीं देते, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। असद कैसर ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ साहब 8-8 घंटे तक बोलते थे, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी तो तकरीर के मामले पर लड़ाई करते थे। असद कैसर की बातों पर वज़ीर आज़म समेत लीगी अरकान हंस पड़े। असद कैसर ने तंज पर ख्वाजा आसिफ को माजी याद दिला दिया, कहा गुज़िश्ता रोज़ पुलिस अपोजिशन लीडर के घर गई थी तो स्पीकर ने मुदाखलत की तो हम कैद थे। असद कैसर ने अपने दौर में एक बार फिर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। असद कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है, जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है। मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे तकरीर करते थे, दो दो दिन तकरीर होती थी। और इंटरेस्टिंगली रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब आप पूरा रिकॉर्ड निकाले। और फिर लड़ाई होती थी, ख्वाजा आसिफ साहब अपना घंटे तकरीर करता था, शाहिद खाकान अपना घंटे तकरीर करता था। मैं याद कराना चाहूंगा कि कल पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफा भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया और नाम यहां पे गिरफ्तार होते रहे हैं। अम्बेसी रोड से मैं गिरफ्तार हुआ, स्पीकर साहब जो उस वक्त के थे कोई उसके ऊपर जो है कोई इत्तेजाज नहीं किया इन्होंने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।